हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ प्लेनेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उस अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स होते हैं। जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है तो वह घबरा जाता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको अपने राइट्स पता होंगे तो आप उनका यूज कर पाएंगे। सबसे पहले तो जानने वाली बात यह है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो ये जानना आपका कानूनी अधिकार है कि पुलिस आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है और आप पर कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। अरेस्ट करते वक्त पुलिस के पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट होगा, जिसमें वो आपको ये बताएंगे कि आप क्यों अरेस्ट किए जा रहे हैं। और अगर आपको बिना अरेस्ट वारंट के ही अरेस्ट किया जा रहा है तो भी पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि वो आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि अरेस्ट करते वक्त पुलिस ऑफिसर प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो तथा उस पर आइडेंटिफिकेशन प्लेट भी लगी होनी चाहिए। अरेस्टेड पर्सन के पास ये भी राइट है कि वह अपने रिलेटिव या फ्रेंड को अपने अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सके। अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वह अरेस्टेड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अरेस्टेड पर्सन को मैजिस्ट्रेट बेल पर रिहा भी कर सकता है या फिर से उसे पुलिस कस्टडी में भी भेज सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉ, किसी भी व्यक्ति को 90 दिनों से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। अगर अरेस्ट करने के दौरान या उससे पहले ही आपकी बॉडी पर चोट लगी हुई है या कोई घाव है तो आप पुलिस ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वह आपके घाव या चोट का मेडिकल चेकअप करवाए और उसका एक मेमो तैयार करे, यह निश्चित करने के लिए कि चोट के निशान पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आए हैं और ये पहले से ही उस अरेस्टेड पर्सन की बॉडी पर थे। जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपके पास ये राइट है कि आप अपने बचाव के लिए एडवोकेट से मिल सकते हैं तथा उसे अपने डिफेंस के लिए हायर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे या 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि वह किसी भी तरह की जबरदस्ती या फोर्स का इस्तेमाल ना करे। अगर किसी महिला को अरेस्ट किया जा रहा है तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि उसको सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते। और जब भी किसी महिला को अरेस्ट किया जाएगा तो महिला पुलिस ऑफिसर ही उसको अरेस्ट कर सकती है। जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को देनी जरूरी है ताकि पुलिस कंट्रोल रूम के पब्लिक नोटिस पर उस अरेस्टेड पर्सन की सारी जानकारी को डिस्प्ले किया जा सके। जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए और उनको यूज करना आना चाहिए। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।